ओम श्री साईनाथाय नमः। खुश करते करते थक जाएंगे आप, लेकिन यहाँ सबको खुश रख पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सबको खुश करके रख लेंगे, सब आपसे प्यार करेंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता है, हम जिसके अच्छे के लिए सोचते हैं ना, वो इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारे साथ रह रहा होता है। यहाँ तक कि उसे हम पसंद भी नहीं होते तब भी वो हमें झेलता है, क्योंकि उसका काम निकालना होता है उसको, और हम समझ नहीं पाते कि आखिर बात क्या है। और वही जब हमें ठोकर लगती है, उसके बाद हम समझदारी से चलते हैं, फिर हम सोचते हैं कि नहीं यार, ये दुनिया तो ऐसी है। तो मतलब ये नहीं है कि हमें मतलब ही बनना है, नहीं, हमें सोच समझ कर चलना है, सोच समझ कर किसी पर विश्वास करना है। कई बार क्या होता है, इंसान जो चालाक लोग होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं किसी को इम्प्रेस करने के, उसके दिल तक घुसने के, उसके पास जाकर उसकी तारीफ़ करके अपना काम निकाल के चलते बनने की बहुत तरीके होते हैं उसके पास। लेकिन जो भोला भाला व्यक्ति होता है, वो इन चालाकियों को समझने में असमर्थ होता है। उसे नहीं पता कि ये चालाक लोग कैसे अपना काम निकालते हैं। लेकिन पहले का तो समय मुझे नहीं पता, पहले बहुत अच्छा समय था, हालांकि इतने खुले खुले लोग नहीं रहते थे, कुछ बंदिशें थी, लेकिन वो समय सही था, तब इतनी चालाकियाँ नहीं होती थी। आज तो अगर मतलब नहीं है तो शायद बच्चे माता पिता के पास भी नहीं जाते। ये समय आ गया है, सबका रूम अलग अलग होता है, अपने अपने रूम में बैठकर लोग अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं। साथ बैठकर तो खाना भी बहुत कम लोगों के घरों में खाया जाता होगा। तो ये कहने को है कि आज समय बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन समय आगे बढ़ने के साथ साथ अगर कुछ अच्छा हुआ है तो कुछ बुरा भी हुआ है। जहाँ रिश्ते एक साथ बैठकर मिलना पसंद करते थे, जहाँ रिश्ते एक साथ खाना खाते थे, एक साथ बैठकर बातचीत करते थे, आज तो घर वाले ही व्हाट्सएप पर बात करते हैं, घर वाले ही फ़ोन पर बात करते हैं, सामने किसी के पास टाइम ही नहीं बात करने का। बाहर वालों के लिए समय है, लेकिन घर वालों के लिए समय बहुत कम है। तो ये समय तो आगे बढ़ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पीछे छूट गए हैं वो अपने। पहले क्या होता था, लोग अपने बड़ों के आगे बात नहीं करते थे, बड़ों के सामने बैठते नहीं थे, जब बड़ा बैठता था तो वो खड़े हो जाते थे। आज के समय ऐसा होता है? नहीं होता। एक भाषा में हम कहते हैं ये फ्रैंक, हम लोग, हमारी फैमिली बहुत बहुत फ्रैंक है। फ्रैंक है ठीक है, लेकिन संस्कार अपनी जगह पर और मजाक जो भी है वो अपनी जगह पर होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम दूसरों को देखकर अपने बच्चे को कहीं ना कहीं बिगाड़ देते हैं, और फिर वो बच्चा हमारी बात ना मानकर उस दूसरे व्यक्ति की बात मानकर खुश होता है। उसे ये लगता है कि हम उसे एक जेल में रख रहे हैं, हम उसे बंदिशों में रख रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही ढालना शुरू करें जिस प्रकार आपको अपना बच्चा चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को कंट्रोल में रखें, उसको ये मत दें वो मत दें, नहीं। बच्चे को देना भी है, बच्चे को सिखाना भी है, और बच्चे को सब कुछ हर तरीके से समझाना भी है, ताकि आगे वो आपका फ्यूचर है, ठीक है। हमें लोगों के घर नहीं देखने, हमें अपने घर को संवारना है। कई बार क्या होता है ना, अरे वो तो ऐसे करती है तो हम भी करेंगे, नहीं, वो करता है ठीक है, वो करेगा तो वो भोगेगा, हम करेंगे तो हमें मिलेगा, ठीक है। इसलिए बहुत सोच समझ कर चलिए। आज के समय में जिस पर विश्वास करते हैं, कब वो हमारा गला काट देगा हमें नहीं पता। हम जिसका हाथ पकड़ कर चल रहे हैं, वो कब छोड़ दे हमें नहीं पता। इसलिए सबसे अच्छा साथी आपका रब है, आपका परमात्मा है, आपका भगवान है। उससे बढ़कर ना कोई अब है ना कभी होगा। किस्मत है अगर कोई व्यक्ति किसी को मिल जाता है अच्छा, तो वो किस्मत है, वरना यहाँ पर किसी का भरोसा करने वाला नहीं है। चलते चलते कौन कब छोड़ दे, किसको कौन कब दूसरा व्यक्ति पसंद आ जाए, ये नहीं जानते हम। आज हम वो हमें पसंद करता है, आज उसकी पसंद हम हैं, कल हमसे भी अच्छा अगर उसको मिल गया तो वो बदल जाएगा। तो ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही बेहतर हैं, ठीक है। तो बातें
क्योंकि ये जो सच्चाई की बातें होती हैं ना, थोड़ी सी कड़वी होती हैं, ये अच्छी नहीं लगती सुनने में। ये अच्छी कब लगती हैं? जब हम धोखा खा लेते हैं। ये अच्छी कब लगती हैं? जब हमारे ऊपर वो चीज़ पड़ती है। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति दुखी होता है और सामने वाले के पास कोई दुख नहीं होता, वो ठीक होता है, उसकी लाइफ अच्छी चल रही होती है। तो जब दुखी वाला व्यक्ति अपना दुख सुनाता है ना, तो सामने वाला सोचता है क्या यार ये अपना दुख लेकर बैठ गया मेरे सामने, जब देखो रोता रहता है। तो उसे उसके दर्द की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसे तो दर्द हो नहीं रहा ना। मतलब यहाँ पर ये है कि ये दुनिया ऐसी है कि जब खुद दर्द होता है तब उसे लगता है कि हाँ अब चोट लगी है। सामने वाले का दुख बहुत कम लोग समझते हैं। इसलिए आपका दुख बांटने वाला कोई है तो वो साई है, आपका परमात्मा है, आपका भगवान है। आपकी उसे सुनाने का जो ढंग है ना, वो नहीं आता आपको, आप उसको सुनाना शुरू करो। वो बिन बोले आपकी ज़िंदगी के दर्द ना बांट लेना, फिर कहना आप। क्योंकि हम जैसे लोगों ने सिर्फ उसे ही अपने पास रखा है, हमारे पास कोई दूसरा साथी नहीं है, ना दोस्त है, हमारा सिर्फ साई है, जिससे हम अपना दुख भी रोते हैं, सुख भी रोते हैं, आज कल परसों पूरे महीने का बात जो है ना वो लेकर बैठते हैं उसके पास कि बाबा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, उसने मुझे ऐसा बोला तो ऐसा हो गया। ये सारी चीज़ें हम बताते हैं अपने बाबा को, इतना खर्चा यहाँ पर हुआ, इतना खर्चा होने वाला है बाबा, इतना ऐसे आपको करना है, और वो सुनता है, जवाब देता है, अरेंज करता है सब कुछ, सारी व्यवस्था करता है हमारी। वो बात सिर्फ इतनी सी है कि मानने वालों के लिए साईं है और ना मानने वालों के लिए सिर्फ एक कल्पना, ठीक है। इसलिए कहती हूँ विश्वास कीजिए, साईं है आपके पास है बाबा, इसलिए बाबा को महसूस कीजिए और उसका साथ लेकर के आगे बढ़िए। दूसरा साथी कोई नहीं है, बात कीजिए सबसे, बात कीजिए सबसे, हंसिए मिलिए बैठिए, लेकिन अपनी अंदरूनी बातें कभी बताने की कोशिश मत करना, ठीक है बस। और दूसरों की निंदा कभी मत सुनना, जो लोग निंदा करते हैं उनके पास जाना छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, माफ़ी चाहूँगी अगर कुछ बुरा लगा हो आप लोगों को, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, लेकिन सच्चाई यही है। तो खुश रहिए, खुश रखिए अपने आप को। आप खुश हैं तो आपको सब खुशनुमा दिखाई देगा, अगर आप ही खुश नहीं हैं, आपका अंदरूनी मन अशांत है ना, तो बाहर शांति नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं बस बाबा से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझसे जुड़ा हर व्यक्ति, बाबा मैं अपने साईंदार परिवार के लिए हमेशा प्रे करती हूँ, ये आप लोग नहीं जानते, ये सिर्फ मैं और मेरे बाबा जानते हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, हमेशा खुश रहें, यही हमारी प्रार्थना रहती है। तो अपने परिवार को सपोर्ट करते रहिए, कोई दुखी है तो उसका साथ देते रहिए। अगर कोई भी बात आपको मुझसे करनी है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार हो सकता है फ़ोन ना उठा पाऊँ, लेकिन आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो हम ज़रूर उठाने की कोशिश करेंगे। मैसेज कीजिए, मैसेज का रिप्लाई आपको जल्दी जाएगा, देने की कोशिश करेंगे। कोई भी बात, आपको कोई भी डाउट लगता है, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई गलती हो जाती है तो बच्चा समझ के माफ़ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साईं राम, जय साईं राम, बाबा आपका भला करें।